अच्छा, तो इतने सारे सवालों कन्फ्यूजन के बाद शायद WWE ने खुद ही सीक्रेट रिवील कर दिया है कि उनका जो नया टाइटल है अब वो आ रहा है। रोमन रेंस अपने इस रन को, जो रन ऑफ अ लाइफ टाइम है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और एक चीज WWE ने रॉ के एपिसोड में जो करनी थी वो नहीं करी। तो हर बार की तरह इस वीडियो में बहुत सारी बातें, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में, और मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के हालात नीचे ही चलते चले जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप आई थी वो थी 1.648 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते ये घट गई 2.06%। और इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप मिलती है 1.614 मिलियन व्यूअर्स। अब ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि रॉ के एपिसोड जो है अच्छे नहीं चल रहे, रॉ के एपिसोड में जो है पूरा मजा आ रहा है। बट बावजूद इसके, क्योंकि फैंस का इंटरेस्ट है नहीं लाइव शो को देखने में, तो शायद इस वजह से जो व्यूअरशिप वो घटी हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये यूएसए की व्यूअरशिप होती है, वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ यूएसए की व्यूअरशिप होती है। वर्ल्ड वाइड क्या सीन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। तो यहां पे अभी फिलहाल हालात मंडे नाइट रॉ के जैसे पहले थे अब वैसे ही होने लग गए हैं। देखो, रॉ के एपिसोड में WWE ने एक चेंज किया था, मुस्तफा अली का रिटर्न होना था, वो चीज WWE ने पहले से प्लान करी थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल प्लान्स, WWE मुस्तफा अली को मिस के सामने हराने वाली थी। मतलब एक तो बंदे का इतने टाइम के बाद रिटर्न हो रहा है, ठीक है, और उसके बावजूद उसको मैच में हार मिल रही है, ये WWE का प्लान था। बट एंड में जाके WWE ने चीज़ों को जो है चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद में सीन ये पता चलता है कि मुस्तफा अली मिस के सामने जीत गए। इमेजिन करो क्या ही रिएक्शन होता क्राउड का अगर मुस्तफा अली मिस के सामने भी हार जाते इतने टाइम के अपने रिटर्न के बाद। और आपको पता है उनके जो हालात हैं WWE के साथ वो भी सही नहीं चल रहे। तो ये कुछ WWE का प्लान था। इससे तो यही कह सकते हैं कि WWE के पास कोई खास प्लान्स है नहीं मुस्तफा अली के लिए। जैसे वो टेलीविजन के ऊपर वापस आ गए हैं, अब WWE के इधर उधर पटक पटक के इनका यूज़ करना है, बाकी शायद कुछ मेजर उनके लिए होने नहीं वाला। कुछ अमेरिकन वाले गिमिक के बड़े प्लान्स थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से WWE ने उनको भी ड्रॉप कर दिया। अब रॉ के एपिसोड में मुस्तफा अली के साथ साथ दो और रिटर्न हुए थे, आस्का एंड बैकी लिंच का। बैकी लिंच का रिटर्न आपको पता है पहले से अनाउंस था, लेकिन आस्का ने जो है अपनी सरप्राइज करके एंट्री करी। वैसे वो तो मैंने आपको बता रही थी वीडियो के अंदर पहले वाली कि हाँ आस्का आ सकती हैं। अब क्योंकि आस्का और बैकी लिंच की प्रॉब्लम हो गई, तो बैकी लिंच थोड़ी सी चीज़ों को पर्सनल लेकर जा रही हैं, और उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये वाला ट्वीट किया जहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैकी लिंच ने आस्का को गले मिलने वाली GIF डाली। और ये वो वाली GIF है जब अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस किया था बैकी लिंच ने, और उस वजह से उनके अपनी चैंपियनशिप को जो है देना पड़ा था आस्का को। तो यहाँ पर उन्होंने ये लिखा, क्या लिटरली हैंडेड दिस बिच माई टाइटल, यानी कि इस बंदी को मैंने अपना टाइटल दिया है और देखो ये मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। वैसे बैकी लिंच, तुम शायद थोड़ा सा भूल रहे हो कि क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी अनाउंस हुई थी और आस्का मनी इन द बैंक को जीती हुई थी, विमेंस मनी इन द बैंक की विनर थी, तो क्योंकि कैश इन करना WWE का रूल नहीं था। रूल उन्होंने ये बताया था कि भैया उसके अंदर यही बात लिखी हुई है कि जो भी जीतेगा उसको सीधा जो है टाइटल मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो टाइटल जो है आस्का को मिला था। कोई चीज़ तुमने हैंड तो की, बट वो वैसे नहीं की जैसे कि देख कर लग रही है, जैसे बैकी लिंच यहाँ पर कहना चाह रही है। तो चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं पर्सनल आस्का और बैकी लिंच की, और मैं पर्सनली इसमें काफ़ी इन्वेस्टेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई चैंपियनशिप इन्वॉल्व नहीं है, और विमेंस डिवीजन के अंदर बिना चैंपियनशिप इन्वॉल्व हुए कोई अच्छी फ्यूड देना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क हो चुका है WWE के लिए। बट यहाँ पर कुछ मजा है, और आई थिंक इससे, इस वाले फ्यूड से एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रॉ के विमेंस डिवीजन में कुछ चीजें जरूर देखने लायक होंगी। अब थ्योरी के बारे में, आपको पता है कैसे WWE उनको बहुत तगड़ा पुश करने वाली है, विंस मैकमैन उनको तगड़ा वाला पुश करने वाले हैं। तो रेसल वर्ड्स की तरफ से एक रिपोर्ट हमको पता चलती है, आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अब जो पुश है थियोरी का वो फुल इफेक्ट है, और वो ये कहते हैं कि जो जॉन सिना है, मतलब जो थियोरी है उनको जॉन सिना की तरह देखा जाता है। और ये भी बात लिखी जा रही है, गिव द किड एवरीथिंग ही नीड्स टू बी सक्सेसफुल, यानी इस बंदे को हर वो चीज़ दी जाएगी जिससे कि सक्सेसफुल हो सके। भाई बहुत बड़ी डील है थ्योरी, इस बात में कोई भी शक, मैं तो कह रहा हूँ अभी इसे थ्योरी के फैन बन जाओ, ताकि आगे जाकर तुम कहो कि हाँ हम तो थ्योरी को तब से देख रहे हैं जब वो पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीते थे। वेल, जोक सपाट, लेकिन काफ़ी बड़ा नाम होने वाला है थ्योरी, इससे बात तो कन्फर्म पता लग गई। क्योंकि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हमने ये तो देखा है कि सुपरस्टार्स को पुश मिलता है, ये होता है, ऐसे होता है, फिर बाद में कचरा हो जाता है। बट ऐसी बातें मुझे नहीं पता कि जब से मैं ऐसे ये सारी डर्ट शीट्स को देख रहा हूँ, मतलब साढ़े चार पाँच साल से, कि इतना ज़्यादा किसी बंदे के बारे में विंस मैकमैन जो है पागल हुए हों। मतलब वो उनके दो चार ही बंदे रहते हैं, जैसे कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकइंटायर, ये कुछ ऐसे नाम रहते हैं। ड्रू मैकइंटायर भी मैं उस लेवल पे नहीं रखूंगा जिस लेवल पे मैंने थ्योरी के बारे में चीज़ें सुन ली हैं। तो आप सोच ही सकते हो अब कि क्या होने वाला है थ्योरी के साथ। रिडल एंड रैंडी ओटन की जोड़ी, आर के ब्रो की जोड़ी को हम कितना पसंद कर रहे हैं, लेकिन गाइस एक्चुअल में प्लान्स उनके लिए कुछ डिफरेंट थे। शायद मैंने अपनी किसी एक वीडियो के अंदर ये बताया, फिर नहीं बताया, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि WWE का ओरिजिनल प्लान आर के ब्रो को लंबा रखने का था ही नहीं। और एग्जैक्टली ये पता चला कि कितने टाइम तक WWE ने सोचा था कि रिडल एंड रैंडी ओटन एक साथ रहेंगे, और वो थे सिर्फ 3 मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स, यानी कि 3 हफ्ते के लिए WWE का प्लान था रिडल एंड रैंडी ओटन को एक साथ रखने का। और उसके बाद WWE यही करती कि वो जो रैंडी ओटन है उनका हील टर्न करवा देती रिडल के ऊपर। लेकिन फिर WWE को लगा इस चीज को थोड़ा सा
थोड़ा सा इसको लंबा घसीटते हैं, शायद फैंस इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, शायद अभी स्टोरलाइन डिफरेंट की जा सकती है। और वो चीज़ इतनी लंबी WWE लेकर आ चुकी है कि आज जो रिडल एंड रैंडी ओटन है वो एक साथ है, रॉ टैग टीम चैंपियंस है, मंडे नाइट रॉ के ऊपर सबसे बड़ी अट्रैक्शन नजर आते हैं मुझे। तो ये कुछ थी चीज़ें, अच्छा ही हुआ वैसे WWE ने जो है इस टीम को नहीं ब्रेक किया, क्योंकि आज के पॉइंट पर जो हमको एंटरटेनमेंट मिल रहा है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट RK ब्रो को जाता है ना। ब्रे वायट के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली उनके बारे में रिपोर्ट यह है कि उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए अगर वो किसी कंपनी के साथ साइन होना चाहते हैं, लेकिन कितने पैसे अब वो तो नहीं पता, लेकिन ये बात पता चलिए कि लास्ट उनकी जो WWE के साथ डील थी उसमें वो साल के कितने पैसे कमा रहे थे, तो ये थे $4 million। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये 30 करोड़ रुपए के आसपास आते हैं। और गाइज ये वो पेचेक है जो कि WWE अपने टॉप लेवल के टॉप टीयर वाले एथलीट्स को देते हैं जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे जो है ब्रे वायट को मिल रहे थे, इससे बात क्लियर है कि ब्रे वायट को ज़्यादा पैसे चाहिए। अब ये डिमांड सिर्फ दो ही कंपनीज उनके लिए फुलफिल कर सकती हैं, या तो वो है AEW या फिर वो है WWE। अब ऐसा नहीं है कि AEW इतने पैसे ऑफर नहीं कर सकती, इतने मोटे पैसे उन्होंने ऑफर किए हुए हैं, जैसे कि जॉन मॉक्सली के केस को देख लो, जितना वो WWE में कमाते थे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट उतने ही पैसे उनको AEW के अंदर मिलते हैं, और उस तरीके से AEW उनको यूज़ भी कर पा रही है, तो उनके लिए यहाँ पर बेनिफिट वाली बात है। तो ब्रे वायट के ये कुछ मोटे पैसों वाली बात है, ठीक है। तो या तो WWE या फिर AEW, बाकी इसके अलावा कोई ऐसा है नहीं सीन कि वो किसी और प्रमोशन में जा सकते हैं, क्योंकि इतने पैसे और उनको कोई ऑफर नहीं कर सकता। इजिकल जो कि हैं यंग ब्रदर एलायस के, उनका सामना हुआ एक और बंदे से जो कि किसी का यंग ब्रदर है। अब हुआ क्या, WWE ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो डाली जहां पर केन यानी कि ग्लेन जैकब्स, जो कि आपको पता है उनका रियल नेम है, और वो जो मेयर जब बन के आते हैं तो ग्लेन जैकब्स ही बन के आते हैं केन, तो इजिकल वहां पर आते हैं और वो केन की तारीफ करने की, यार वाह तुम तो कमाल हो, तुम तो ऐसे किया, तुमने वैसा किया। केन भी कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, लेकिन मैं केन नहीं हूं, मुझे नहीं पता केन कौन है। अब इजिकल ये सोच के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यार ये तो बंदा बिल्कुल केन के जैसे लगता है, शायद केन का भी कोई यंग, मतलब जैसे उनका गिमिक नहीं चल रहा कि एलायस का यंगर ब्रदर, तो वो ये भी कहते हैं कि शायद केन का भी कोई यंगर ब्रदर होगा। तो ऐसे करके इजिकल यहाँ पे बहुत कंफ्यूज थे। इवन मैं देख रहा था इसके ऊपर जो रिएक्शन आया ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फैंस को ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपने भी नहीं देखा तो जाके देखना, कितना ज़्यादा सब कुछ नेचुरल लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि हमको हंसाने की कोशिश की जा रही है, और केन के एक्सप्रेशन इजिकल के एक्सप्रेशन वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो सामना हो गया खुद इजिकल का उस बंदे से, मतलब इजिकल जो गेम सबके साथ खेल रहे हैं वो गेम केन के साथ खेल गए, और खेल के भी क्यों नहीं जाएंगे भाई, WWE का यू नो इतने सालों से उनको एक्सपीरियंस भी है। रोमन रेंस एंजॉय कर रहे हैं रन ऑफ अ लाइफ टाइम, ये उन्होंने बताया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने इन पिक्चर्स को पोस्ट किया जहां पर रोमन रेंस को आप देख सकते हो यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड WWE चैंपियनशिप के साथ, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस कहना चाहिए मुझे। और जैसे मैंने आपको कहा था कि देखो रोमन रेंस यूजुअली कैरी नहीं करते वेस्ट के ऊपर बैल्ट, लेकिन अब उन्होंने कैरी करना शुरू कर दिया है, तो इसलिए रोमन रेंस यहां पर काफी डिफरेंट भी लग रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा रन है जो मतलब रन ऑफ अ लाइफ टाइम, यानी सदा मतलब लाइफ में होने वाला कुछ ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पेशल होती है, एंड स्पेशल ऑब्वियसली है भी ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हम WWE फैंस के लिए भी, खुद WWE के लिए भी, क्योंकि अगर ये रन ना चल रहा होता WWE के अंदर तो फिर क्या चल रहा होता हम ये कुछ नहीं सोच सकते, नहीं इमेजिन कर सकते। खैर हम अपनी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं, और WWE क्या सीक्रेटली बता रही है कि उनकी जो नई चैंपियनशिप है बस अब वो आने ही वाली है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले गाइस WWE ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इस पिक्चर को पोस्ट किया जहां पर उन्होंने WWE चैंपियनशिप के अब तक के जो डिज़ाइन है उनको डाला हुआ है, वो ईगल से लेके अब जैसे चैंपियनशिप है वैसे यहाँ पे ABCDE लिखा हुआ है, और वो ये पूछ रहे हैं कि ठीक है भैया तुम्हारा जो फेवरेट डिज़ाइन है वो बताओ, क्योंकि यहाँ पर जो 59 वाली एनिवर्सरी है वो है WWE टाइटल की। अब देखो एनिवर्सरी आई है ठीक है, लेकिन WWE कैसे स्पेसिफिकली पूछना है कि तुम्हारा कौन सा टाइटल है, क्या WWE इससे ये बता रही है कि हाँ वो नया टाइटल लेके आने वाली, या फिर क्या पता इनमें से जो टाइटल फैंस पिक करें क्या पता WWE फैंस की सुने। वेल इस बात के ऊपर मुझे ज़्यादा बिलीव नहीं होता, लेकिन बिलीव और ज़्यादा तब हुआ जब WWE ने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करी जहां पर उन्होंने WWE चैंपियनशिप रिवील्स की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, जहां यानी कि जब भी कोई नई चैंपियनशिप आती है तो उसको रिवील किस तरीके से हुई, जैसे अभी मुझे रिसेंटली आया था रॉक ने चैंपियनशिप रिवील करी थी, तो उस वीडियो को WWE ने डाला हुआ। और आपको मैं बता दूं WWE अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज़ें उस टाइम पर कर रही होती जो होने वाली होती, जैसे मुझे याद आता जब एक बार केन का रिटर्न होने वाला था तो केन की काफ़ी सारी वीडियोज़ पोस्ट हो रही थी, या फिर जैसे कोई प्रीमियम लाइव इवेंट चल रहा होता तो उसकी पुरानी वीडियोज़ आती हैं उस प्रीमियम लाइव इवेंट की, आपको पता है रेफरेंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आउट ऑफ नोवेयर WWE का इस वीडियो को पोस्ट करना जहां पर चैंपियनशिप्स रिवील हो रही हैं, क्या WWE हमको ये हिंट कर रही है कि अब एक और नई चैंपियनशिप रिवील होने की बारी आ गई है। इवन अगर आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ोगे तो यहाँ पर सभी लोगों की यही स्पेकुलेशन है कि हाँ अब शायद WWE ने जो फाइनली टाइटल है उसको तैयार कर लिया है और बहुत जल्दी वो जो टाइटल है वो हमको रिवील होता हुआ दिखाई देगा। और वो टाइटल आपको पता है इस समय रोमन रेंस के पास है WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का, तो शायद अब आपको वो रिवील जो है बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि WWE कुछ ऐसा ही टीज करी, और जो चीज़ WWE डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करती है
कहीं ना कहीं उनका कुछ रिलेशन तो होता है, ये मैंने पास में काफी बार देखा हुआ है। तो देखते हैं क्या WWE ऐसा करने वाली है। और हाँ, वो WWE ने जो यू कैन पिक एनी टाइटल करके किया, वन टाइटल किया है, क्या उसमें से कोई WWE टाइटल लाएगी या फिर पुराना टाइटल लाएगी? आई थिंक इसके बारे में हमको बहुत जल्दी कुछ पता लग सकता है अगर WWE वो जो टाइटल है वो ला रही है। खैर, हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।